Ubi aku ni pun kalah dengan dia. Ada bunuh dia. पेट्रोल जो है ना टंकी से बाहर आ चुका है, नीचे भी पेट्रोल बोल भाईजान अरबी शेख। तो यहाँ पे टूल प्लाजा पे रुके हैं, यहाँ पे कुछ हमें बाइक राइडर्स मिले हैं जो कि गालबन सरगोधा से आए हैं, तो उनसे गपशप की है और ये उनका कुछ बाइक सेटअप वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए इस तरह से ऊपर ट्यूब वगैरह रखी हुई हैं और इसी तरह सारे वो पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। तमाम दोस्तों को अपनी नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं कल्लर कहार में। जिस तरह आपने पिछली वीडियोस में देखा था कि हमने विहाड़ी से सफ़र शुरू किया था और कल्लर कहार में पहुँचे थे, तो यहाँ पर हमने स्टे किया था। तो आज का जो हमारा प्लान है वो कल्लर कहार से बरस्ता, चकवाल, डडियाल, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से होते हुए हम जाएँगे मरी की जानब। मरी यहाँ से तकरीबन 185 किलोमीटर है और तकरीबन 6 से 7 घंटों का रास्ता है, यानी तकरीबन पूरा दिन ही लग जाना है। तो हमारा आज का जो ट्रैवल होगा मेन मरी की जानब होगा, बरस्ता यानी कि मेन जो रूट होगा वो इस्लामाबाद से मरी रोड होगा। तो अभी तैयारी वगैरह चल रही है, तसव्वुर भी नहा रहा है, तो पैकिंग वगैरह करने के बाद निकलते हैं। रास्ते में नाश्ता भी करना है, तो अल्लाह का नाम लेके अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। आगे हमारे साथ मौजूद रहिए। तो ये देखिए सामान वगैरह अभी उसी तरह बिखरा पड़ा है, बस पैकिंग वगैरह करने के बाद निकलते हैं। बस वो तसव्वुर नहा रहा है, तो अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह जल्द ही। तो जी सामान वगैरह पैक हो गया है, बाहर बैग वगैरह भी बाइक के ऊपर बांध दिए हैं, तो अभी चेकआउट करते हैं, निकलते हैं। और जो होटल का व्यू है वो भी आपको बाहर से देता हूँ, तो अभी नीचे चलते हैं, आगे मौजूद रहिए। तो जी हम होटल से बाहर आ चुके हैं, ग्रैंड इम्पीरियल होटल है ये, कल्लर कहार में मौजूद है। बहुत ही अच्छा इनके स्टाफ था और स्पेशली रूम भी बहुत अच्छा था, वो आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो इस तरह के यहाँ पे व्यूज़ हैं, अभी रश नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, तो सुबह सुबह यानी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और निकलेंगे, इस ट्रैफिक वाले एरिया को जल्दी से जल्दी क्रॉस करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर बिना नाश्ता किए निकल रहे हैं और मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है, स्पेशली ये जो रोड है कारपेट रोड है और हरे भरे दरख्त हैं, तो बहुत अच्छे सीन्स हैं यहाँ पे। इस तरह का खतरनाक सीन देखकर एक लम्हे के लिए बिल्कुल हैरानों परेशान हो गए थे। पेट्रोल जो है ना टंकी से बाहर आ चुका है, नीचे भी पेट्रोल बोल भाईजान अरबी शेख। शुक्रिया कि बाइक स्टार्ट नहीं थी, बाइक ऑफ थी। अभी जिस तरह बाइक की टंकी से पेट्रोल बाहर निकला है, खुदा ना खास्ता कहीं से भी एक आग की चिंगारी निकल आती तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्या होता। बस ये कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह कोई सदका खैरात दिया हुआ आज काम आ गया। ₹2000 के पेट्रोल का बोला था और 1662 का डला है ये। तो फाइनली कल्लर कहार को क्रॉस करने के बाद चकवाल सिटी से आगे ढडियाल में आ चुके हैं
हमने सोचा था कि चकवाल में नाश्ता करेंगे, लेकिन वहाँ पे हमारा दिल नहीं किया, तो अभी यहाँ पे एक नाश्ता पॉइंट मिला है। क्योंकि कोई हैवी हमने खाना नहीं खाना, सिर्फ लाइट वेट हमने नाश्ता करना है। अभी भी सफ़र जो है वो 80+ किलोमीटर है, तो यहाँ पे नाश्ता करते हैं। और चीचावदनी के बाद जो सबसे अहम चीज़ है कि चीचावदनी के बाद चकवाल से आगे हमें हाईवे मिली है, तो यहाँ पे यानी कि ट्रैवल काफ़ी अच्छी तरह कवर हो रहा है डिस्टेंस जो है। तो इंशाल्लाह आगे इस्लामाबाद तक इसी तरह का रूट होगा, लेकिन सबसे पहले अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। ढंडियाल में ये नाश्ता है हमारा, चने और साथ में पराठा। तो जी ढंडियाल से हमने नाश्ता कर लिया है, तकरीबन यहाँ पे आधा घंटा रेस्ट भी की है। तो अभी जो सफ़र है वो बरस्ता रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी की जानब कंटिन्यू रहेगा, तो आगे हमारे साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल हम हैं तकरीबन रावलपिंडी सिटी के हदूद में, यानी आगे आएगा रवात। तो यहाँ पे टूल प्लाजा पे रुके हैं, यहाँ पे कुछ हमें बाइक राइडर्स मिले हैं जो कि वेलकम सरगोधा से आए हैं, तो उनसे गपशप की है और ये उनका कुछ बाइक सेटअप वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए इस तरह से ऊपर ट्यूब वगैरह रखी हुई हैं और इसी तरह सारे वो पीछे, लेकिन ये वाला जो जुगाड़ है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। यानी वो जो एक कुशन जो कुशन की तरह का इनकी बनाया गया ट्यूब रख के, तो बहुत अच्छा सेटअप है। बाकी चलते हैं मजीद, ये टूल प्लाजा है और आगे आएगा रवात। रवात से आगे हमने दाएं तरफ से होते हुए जाना है मरी रोड के ऊपर। और रवात से थोड़ा सा आगे इस्लामाबाद के एरिया में इस रोड के ऊपर कुछ तामीराती काम की वजह से ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी हम बखैर आफियत निकल जाएंगे। बिलाखर अभी हम इस्लामाबाद सिटी से मुलहिका एक खूबसूरत और कारपेट रोड के ऊपर आ चुके हैं, और इस रोड के ऊपर CD70 जो है वो उड़ती जा रही है। तो जी अभी हम मेन पहुंच चुके हैं फैज़ाबाद इंटरचेंज पे। यहाँ पे मेरे बैग पे देख सकते हैं बड़े बड़े पहाड़, और स्पेशली वो उस जानब है फैसल मस्जिद। कोशिश करेंगे वापसी पे वहाँ पे भी ज़रूर जाएं और फैसल मस्जिद को भी आपके साथ शेयर करें। तो ये है जी मेन फैज़ाबाद जो इंटरचेंज, यहाँ पे यानी कि जो ब्रिज है इसके ऊपर खड़े हैं। यहाँ पर कुछ ब्रेक ली है और चश्मा वगैरह ख़रीदा है, तो इस जानब मरी है, इधर को हमने जाना है, तो आगे हमारे साथ मौजूद रहिए।